नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मुरुक टंगरी मसाला। तो उसको कैसा बनाता है अब हम दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों मुरुक टंगरी मसाला बनाने के लिए ये देख रहे लेग पीस, हमें चाहिए लेग पीस। और अब हम इस लेग पीस को अच्छा से ऐसा दाग लगाने का, तो आप लोग दाग लगा लीजिए। देख रहे मैंने ये पूरा सारे चिकन में कैसा दाग लगा लिया है, तो आप लोग सेम ऐसा ही दाग लगा लीजिए। दोस्तों इस टेंगरी में हम लोग दाग लगाएंगे तो अच्छा से जा सकता है मसाला इसका अंदर, और इसका टेस्ट और भी अच्छा होता है क्योंकि इसका अंदर अंदर सब मसाला जाने का, इसलिए हम लगाते हैं इसमें कोटिंग। अब हम इस चिकन को फास्ट मैरिनेशन करते हैं। तो दोस्तों फास्ट मैरिनेशन के लिए ऐड करेंगे ये देख रहे हैं सॉल्ट, थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर, थोड़ा सा डेगी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर। तो दोस्तों ऐड कर रहे हैं कस्तूरी मेथी पाउडर, आप लोग लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छा सा थोड़ा सा क्रश कर लिया है ये कस्तूरी मेथी। अब ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, देख रहे लेमन जूस ऐड कर लिया। और ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। नेक्स्ट ऐड करते हैं वन बॉल दही। अब ये सब सारे चीज अच्छा से मिला के हम इसका मसाला बना लेंगे और इसको ग्रिल करेंगे, और इसको हमें अच्छा से मिला लेना है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं मैंने इसको चिकन को मिला ले रहा हूँ, अब इसको ग्रिल करेंगे। आपका घर में अगर ग्रिल मशीन हो तो आप लोग ग्रिल कर सकते हैं, या माइक्रोवेव हो तो माइक्रोवेव के अंदर भी आप लोग ग्रिल कर सकते हो, नहीं तो कढ़ाई में इसको अच्छा सा थोड़ा तेल डाल के लिटिल बिट ऑफ ड्राई फ्राई जैसा, डीप फ्राई जैसा होता है वैसा डीप फ्राई की कर लीजिए। नहीं तो अगर तावा हो तो तावा में भी इसको आप लोग ग्रिल कर सकते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा ये चिकन टांगरी कैसा मैरिनेशन हो चुका है, अब हम इसको ग्रिल करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारे पास एक ग्रिलर मशीन है, तो अब हम इसको अच्छा से ग्रिल कर लेते हैं। तो मशीन में डालते हुए इसको स्लो टेम्परेचर पे डालिए, इसका अच्छा से कलर आने का, ब्राउन कलर आने का, और इसको अच्छे से कुक करिए। तो अब हम इसको डाल देते हैं हम 30 मिनट के लिए अच्छा से स्लो टेम्परेचर में ग्रिल करते हैं। देख रहे हैं हमारा ये कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करते हैं ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये देखे हॉल खड़ा गरम मसाला। तो आपका पास जितना खड़ा गरम मसाला है वो सब कुछ आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये देख रहे हैं मैंने इलायची लौंग पत्ता सब कुछ ऐड कर रहा हूँ, और साथ में ऐड कर रहा हूँ ये है घी। और देख रहे मैंने जैसा बना रहा हूँ आप लोग सेम ऐसा ही थोड़ा सा इसको अच्छा से ब्राउन कर ले। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये देख रहे मैंने ऑनियन को पेस्ट बना लिया, ये अब हम ऐड कर रहे हैं ऑनियन पेस्ट, और इसको अच्छा से भुनेंगे। दोस्तों जब ऑनियन आप लोग पेस्ट बनाएंगे तो उसमें थोड़ा कम पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल के आप लोग पेस्ट बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम तक उसको टॉस करना पड़ता है। आप लोग कम पानी डालें और थोड़ा ऑयल का क्वांटिटी ज़्यादा रखें, और ऑनियन को अच्छा से मैं जैसा ब्राउन करने जा रहा हूँ आप लोग से वही सही मेथड से अच्छा से ब्राउन कर लीजिए। देख रहे हैं हमारा ये ऑनियन ब्राउन हो चुका है, ठीक है। अब हम इसका साथ में ऐड करने जा रहे हैं ये देख रहे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको अच्छा से ब्राउन करना है। तो जब तक कढ़ाई का नीचे थोड़ा थोड़ा पकड़ ना आ जाए जिंजर गार्लिक, तब तक इसको अच्छा से आप लोग ब्राउन कीजिए। जिंजर गार्लिक भी ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है, तो आप लोग आप क्या करेंगे फायर को थोड़ा स्लो करके अब हम इसमें ऐड करते हैं सॉल्ट। आपको टेस्ट के हिसाब से जितना नमक चाहिए उस हिसाब से आप लोग ऐड करें नमक, थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर,
और ये देख रहे हैं डेगी मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर। अब हमें इसको मसाला का साथ, ऑनियन का साथ अच्छा से ब्राउन करना है। तो अगर आप लोग को चाहे तो थोड़ा सा आप लोग पानी भी ऐड कर सकते हैं इसका साथ, तो इसमें मसाला को जलने का कोई चांसेस नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप लोग अच्छा से कुक कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं हमारा मसाला अच्छा से कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं ये देखे टोमेटो पेस्ट। आप लोग टोमेटो को अच्छा से पेस्ट कर लीजिए, देखेंगे ऐड कर दिया टोमेटो पेस्ट और इसको अच्छा से पकाना है। दोस्तों मैंने टाइम नहीं बताऊंगा, तो आप लोग आपका फ्लेम का हिसाब से आपको इसको अच्छा से पका लेना है। देख रहे हैं हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है। दोस्तों टोमेटो का बाद हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, और पानी ऐड करके अब हमें इसको मिनिमम 20 से 25 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसको पका लेना है। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा ये ग्रेवी कैसा अच्छा सा उबल के तैयार हो चुका है। हमारा चिकन ऑलरेडी ग्रिल हो चुका है, ऐसा मस्त का है। हमारा ये ग्रेवी रेडी हो चुका है। अब हम इस ग्रेवी में ऐड करने जा रहे हैं ये देख रहे हैं चिकन, ये सारे चिकन अब हम ग्रेवी में ऐड करते हैं। और देख रहे मैंने सारे चिकन ऐड कर दिया है, और आप अच्छा से इसको इस ग्रेवी का साथ कुक कर लेंगे। चिकन का साथ मसाला अच्छा से कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर और इसको अच्छा से मिला लेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा तंदूरी मीट मसाला रेडी है। तो हमारा ये मुरुक टांगरी मसाला रेडी हो चुका है। मैं चाहूंगा आप लोग सेम ऐसा ही रेसिपी फॉलो करके अपना घर में सेम ऐसा ही खाना बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसा रहा हमारा ये रेसिपी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मैं हूँ शेफ गोपाल, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, थैंक यू।